गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जीके कंप्यूटर की वर्कशीट करेंगे और साथ में मोरल हाइजीन की। सबसे पहले हम जीके में करेंगे अवर मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से मिनिस्टर है किस डिपार्टमेंट के, वो हम पढ़ेंगे आज। क्वेश्चन वन, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के राष्ट्रपति कौन है भारत के, मिस्टर रामनाथ कोविंद। हु इज़ द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति कौन है भारत के, मिस्टर वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन। हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की रक्षा मंत्री कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है, श्री राजनाथ सिंह। हु इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री हमारे, मिस्टर अरविंद केजरीवाल। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट कंप्यूटर में टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। एक कंप्यूटर माउस हैज़, एक जो कंप्यूटर माउस होता है उसमें कितने बटन होते हैं, 9 बटन, एक भी बटन नहीं होता, 2 बटन्स या 2 बटन होते हैं, या 3 बटन्स, 3 बटन होते हैं। कंप्यूटर माउस में 2 बटन्स होते हैं। द स्मॉल एरो मूविंग ऑन द मोनिटर इज कॉल्ड, जो स्मॉल एरो होता है जो मोनिटर पर आपको नज़र आता है वो क्या होता है, टेल होती है, वायर होती है, या पॉइंटर होता है, पॉइंटर वो पॉइंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट एन आइटम, इसमें से क्या किसको किसी आइटम को सेलेक्ट करने में यूज़ किया जाता है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, या ड्रैग एंड ड्रॉप। सही ऑप्शन है डबल क्लिक। नेक्स्ट है, ड्रॉ एंड कलर ए कंप्यूटर माउस, आपको यहाँ पे कंप्यूटर माउस बनाना है अच्छे से, उसके लिखने हैं कौन सी सिंगल क्लिक है, कौन सी डबल क्लिक, कौन सी लेफ्ट क्लिक है, कौन सी राइट क्लिक है, और उसमें कलर भरना है। नेक्स्ट हम मोरल हाइजीन का करेंगे। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। हेल्थ इज वेल्थ, मतलब जो हमारी तंदुरुस्त हमारी सेहत है वही हमारा सबसे बड़ा हमारी दौलत है। वी मस्ट गेट अप, हमें कब उठना चाहिए, अर्ली, जल्दी उठना चाहिए। मॉर्निंग वॉक इज़ ए, मॉर्निंग वॉक इज़ जो सुबह की सैर होती है वो क्या होती है, गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। नंबर 4, क्लीनलीनेस इज ऑल्सो, जो साफ सफाई होती है वो भी क्या होती है, गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए अच्छी होती है। वी शुड टेक प्रॉपर, हमें पूरी क्या लेना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, पूरा आराम लेना चाहिए और नींद लेनी चाहिए अच्छी सेहत के लिए। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, ए साउंड माइंड लीव्स इन ए साउंड बॉडी, साउंड माइंड मतलब स्वस्थ मस्तिष्क, साउंड बॉडी मतलब स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मतलब अगर आपकी सेहत सही है तभी आपका दिमाग सही काम करेगा, क्या ये सही है, अगर सही है तो ट्रू, ये आप खुद से करेंगे, जो आपको लगता है सही है उसमें ट्रू, और जो लगता है फॉल्स उसमें फॉल्स। ए रिच मैन कैन बाय गुड हेल्थ विद मनी, एक अमीर आदमी पैसे से सेहत भी खरीद सकता है क्या,
इसको करेंगे. वी शुड नॉट टेक बाथ इन द मॉर्निंग, हमें सुबह नहीं नहाना चाहिए. वी मस्ट ड्रिंक मिल्क एवरी डे, हमें हर रोज़ दूध पीना चाहिए. वी शुड मेंटेन आवर बैड हैबिट्स, हमें अपनी गलत आदतों को बनाए रखना चाहिए. क्या ये सही है? शाउट ऑन योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स पे चिल्लाना चाहिए. वी शुड डू आवर वर्क इन टाइम, हमें अपना जो काम है समय पे करना चाहिए. पुश योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स को धक्का देना चाहिए. हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, अपने पेरेंट्स को घर पे मदद करनी चाहिए. ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, अपने नाखूनों को मतलब ट्रिम करते रहना चाहिए, उनको बड़े नहीं रखना चाहिए. इसमें से जो आपको लगता है ट्रू उसके आगे ट्रू करेंगे और जो फॉल्स लगता है उसके आगे फॉल्स करेंगे. नेक्स्ट, चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स. वी शुड गो फॉर ए वॉक डेली, हमें रोज़ एक वॉक के लिए जाना चाहिए, घूमने के लिए. एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ. वी शुड गिव अप आवर बैड हैबिट्स, हमें अपनी गलत आदतों को छोड़ देना चाहिए. वी शुड बी रेगुलर इन आवर वर्क एंड स्टडी, हमें अपने काम में और पढ़ाई में रेगुलर होना चाहिए. बैड हेल्थ इज़ ए कर्ज, जो बुरी आदतें वो एक अभिशाप होते हैं. नेक्स्ट, आंसर इन वन वर्ड. What do you say when you hurt someone? जब आप किसी को दुख पहुंचाते हो तो क्या बोलते हो? Sorry. What do you say when someone helps you? जब आपकी कोई मदद करते हो तो क्या बोलते हो? Thank you. What do you say when you want to request to someone for something? जब आप किसी को request करना चाहते हैं तो क्या बोलते हो उसको? Please. What we should we use while coughing or sneezing? खास तौर छींकते टाइम हमें क्या यूज़ करना चाहिए? या तो एक हैंकी, अगर आपके पास नहीं है तो कॉटन क्लॉथ भी आप यूज़ कर सकते हो. वेयर वी शुड थ्रो गारबेज, रबिश, हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? इन ए डस्टबिन में. विच टाइप ऑफ गेम्स आर यूजफुल फॉर चिल्ड्रन, आउटडोर गेम्स और वीडियो गेम्स, बच्चों के लिए किस तरह के गेम अच्छे होते हैं? बाहर खेलने वाले, जैसे बाहर जो आंगन वगैरह में खेलते हैं या ग्राउंड में, या फिर वीडियो गेम, कौन से गेम अच्छे होते हैं उनके लिए? बच्चों के लिए आउटडोर गेम अच्छे होते हैं, इससे उनकी सेहत अच्छी रहती है, वीडियो गेम्स अच्छे नहीं रहते. तो ये आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू.